स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं पंजाब की और चंडीगढ़ की तो दो मेन यूनिवर्सिटीज का नाम हमारे माइंड में आता है। एक तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दूसरी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। दोनों ही यूनिवर्सिटीज के पास में ऑनलाइन कोर्सेज करवाने के अप्रूवल हैं। लेकिन 2023 में एक और यूनिवर्सिटी है जो कि पंजाब में काफी ज्यादा नाम कमा गई है, गुरु काशी यूनिवर्सिटी पंजाब। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी ने सीधा A++ का ग्रेड लेकर सभी को हैरान कर दिया है। यानी कि अगर नैक ग्रेडिंग की बात करें तो नैक ग्रेडिंग में ये यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ऊपर आ गई है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास में नैक A+ ग्रेड है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास में A++ ग्रेड है। तो अगर ग्रेड की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु काशी यूनिवर्सिटी पंजाब दोनों ही अब बराबर रैंकिंग में आ गई है। 2023 में इस यूनिवर्सिटी को कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज करवाने का अप्रूवल मिल गया है। तो कौन कौन से ऑनलाइन कोर्स करवाती है यूनिवर्सिटी, ये आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। और क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या है फीस स्ट्रक्चर, एग्जाम का प्रोसेस क्या रहेगा, पूरा हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी एज ए स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में सन 2011 में। UGC ने इसको मान्यता दी थी रेगुलर कोर्सेज करवाने की, तभी से ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है। इसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से नैक की टीम ने इसको A++ ग्रेड दिया है। ऑनलाइन कोर्सेज करवाने का इस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला है। कौन कौन से ऑनलाइन कोर्सेज करवाती है ये यूनिवर्सिटी, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका फीस स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे बात करते हैं इसके ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में। तो ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में जाने की जरूरत नहीं होती है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप घर पे हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप ऑनलाइन मोड से अपना कोर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन मोड के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं वो आपके ऑनलाइन होते हैं, आपको यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्स आपके ऑनलाइन माध्यम से हो जाते हैं, आपके पास में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। क्लासेस की बात करें तो आपका एक LMS बन जाता है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं और आपके लाइव लेक्चर्स भी होते हैं। एग्जाम्स तो आपका ऑनलाइन हो ही जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, आप अपने घर पर बैठकर भी ऑनलाइन एग्जाम अपना दे सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर है। दोस्तों, अगर बात करें BCA कोर्स की तो 9500 रुपीज पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको फीस पे करनी होती है। देन फिर इसके पास में BA कोर्स को करवाने का अप्रूवल है, 4000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको इसमें फीस पे करनी होती है। देन फिर आपके पास में BBA का कोर्स है, इसमें आपको 9000 रुपीज पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस पे करनी होती है। देन फिर इसमें MA हिस्ट्री है, MA इंग्लिश है, और इसमें MA इकोनॉमिक्स भी है, MA पॉलिटिकल साइंस है, MA सोशियोलॉजी है। इन सभी कोर्सेज में आपको 9000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस पे करना होता है। स्टूडेंट्स, बात करें MCOM की तो 12000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से चार्ज करती है। अब बात करते हैं एडिशनल चार्जेस की। 500 रुपये आपको वन टाइम फीस पे करनी होती है एज ए एप्लीकेशन फीस के रूप में। रजिस्ट्रेशन फीस आपको जमा करनी होती है 500 रुपये पर सेमेस्टर। यानी कि अगर आपका 6 सेमेस्टर का कोर्स है, ग्रेजुएशन का UG कोर्स है, तो 500 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको 3000 रुपये यूनिवर्सिटी में जमा करने पड़ेंगे। और एग्जामिनेशन फीस भी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर मोड पर ही लेती है, 1500 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी को पे करना होगा, चाहे आपका UG कोर्स हो चाहे आपका PG कोर्स हो। तो ये है फीस स्ट्रक्चर इस यूनिवर्सिटी का, काफी रिजनेबल है, ज्यादा महंगे कोर्स इस यूनिवर्सिटी में नहीं है। अगर आप हमारे ओपिनियन की बात करें तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का A++ ग्रेड है। दोस्तों, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनका रिवर्ट बैक करें आपको। और अगर आप एडमिशन के रिगार्डिंग भी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।